सीएमएचओ को 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का काम पूरा करने का सख्त आदेश निकाला है। निदेशक आरसीएस डॉक्टर के एल मीना ने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के आदेशों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज 31 जनवरी 2022 तक 100% लगाई जानी है। स्टेट लेवल पर कोविड वैक्सीनेशन अभियान के प्रोग्रेस के रिव्यू में पाया गया है कि प्रदेश में 16 जनवरी तक टारगेट के मुकाबले कोविड वैक्सीन की पहली डोज 94.10% है और दूसरी डोज 77.70% ही लग सकी है। इसलिए उन्होंने सभी सीएमएचओ को साफ निर्देश दिए हैं कि 3 तारीख तक टारगेट पूरा करें, वरना सीएमएचओ के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। जी, आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100% दोनों वैक्सीनेशन डोज के लिए पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस में सख्त हिदायत दी थी, जिसके बाद 3 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेज की गई, लेकिन अब केवल 13 दिन बचे हैं। गहलोत ने 31 जनवरी के बाद नो वैक्सीन नो एंट्री की बात कही थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। सरकार चाहती है कि वैक्सीन की कम से कम पहली डोज सभी को लग जाए, ताकि दूसरी डोज भी तय टाइम पर लगाई जा सके। इससे कोविड से होने वाली मौतों की संख्या घटाने और महामारी से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि वैक्सीनेशन की दोनों डोज के बीच के समय के अंतर को कम नहीं किया गया है, दूसरी डोज वैक्सीन के हिसाब से तय समय पर ही लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।